उनके मन में क्या चल रहा है। ये जो घटना है बहुत ही अजीबोगरीब है, क्योंकि एक आदमी टिकट लेकर आता है, मुंबई उतरता है, उसके साथ इस तरह का हादसा होता है, क्या कहेंगे मुंबईवासी? बिल्कुल, ये सारी चीजें राय जानना चाहेंगे। अभी आपने कुछ देर पहले ये कहा, अब ये जो हादसा आप देख रहे हैं, क्या कहेंगे इसके ऊपर? इसके बारे में तो कहना यह है कि जो चींटी जो ये हुरमती करते हैं लोगों के साथ, ये बहुत बड़ा खराब बात है। इन और ये विकलांगों के साथ तो खैर करना ही नहीं चाहिए उनको, और अच्छे लोग के साथ। विकलांग नहीं है, इनको मारा पीटा गया है इसलिए पड़ा है, खड़े नहीं हो पा। अच्छा, सॉरी, ये तो विकलांग नहीं है, लेकिन इनको विकलांग बना दिया गया, फिलहाल बना दिया गया है। ये इस तरह का टीटी को ये हरकत अच्छी नहीं है, और टीटी को इनके इसका सजा मिलना चाहिए और उनको ऊपर कुछ कार्रवाई होनी चाहिए। तो उस कार्रवाई की मांग यहाँ पर है, और ताजा उदाहरण हमने अभी अभी देख लिया है। बहुत सी दिक्कतें हैं, बहुत सी परेशानी है। ये वो मुंबईकर हैं जो लगातार आस लगाए बैठे हैं कि अब रेल बजट का जो पिटारा खुलेगा उसमें मुंबई के लिए क्या कुछ होगा। आशुतोष, हाँ धर्मेंद्र, अब उनसे जानिए, जो यादव जी आए हुए हैं यूपी से, उनसे ये जानने की कोशिश कीजिए कि अगला कदम क्या उठाएंगे वो, जिस तरह का बिहेव उनके साथ किया है टीसी ने। बिल्कुल, एक बार फिर से मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या आपने इस बात की शिकायत पुलिस से की? बगल में पुलिस स्टेशन है, पुलिस वहाँ जाते वो कुछ नहीं करते, इसलिए मैं गया ही नहीं। मैंने कहा पहले मीडिया वालों से संपर्क कर लें, इसके बाद फिर दूसरे कर लें, क्यों नहीं तो मैं अपने चीफ मिनिस्टर माननीय श्री अखिलेश यादव जी से बात करके उनसे अपनी ये उनसे अखिलेश यादव जी से बाद में बात करिएगा। फिलहाल हमारा आपको ये कहना है कि बगल में ही पुलिस स्टेशन है, आप तुरंत जाइए और तुरंत जाकर के पहले जो है ये शिकायत दर्ज कराइए और बताइए आपके साथ क्या क्या घटना हुई, और पुलिस पर भरोसा रखिए क्योंकि ये मुंबई पुलिस है। तो देखे आशुतोष, ये अभी गए नहीं है शिकायत लेकर, लेकिन इन्होंने जब एक बहुत बड़ा सैकड़ों लोगों को यहाँ जुटे हुए देखा तो शायद इन्हें लगा कि पहले हम यही स्टेज उठा लेते हैं। चलिए, और भी बहुत सारे लोग हैं, आप लोगों से जानते, आपने सुना क्या हुआ, ये क्या बोलोगे आप, सही हुआ गलत हुआ? गलत हुआ है। क्या लगता है आपको, आप क्या बोलते हैं? बहुत गलत हुआ ये तो कुछ नहीं, अभी जस्ट मैं लोकल से ट्रैवल करके आ रहा था डोंबिवली से, वहाँ एक लेडीज गिर गई चक्कर आके, वहाँ आरपीएफ वाले कुछ आए, मैं दूर था वहाँ से, फिर मैं आके भाग के उनको पूछा कि क्या हुआ भाई, बोलता अरे हमारे पास टाइम नहीं है फालतू में, जबकि वो लेडी गिरी थी वहाँ से। तो इस प्रकार का आरपीएफ डिपार्टमेंट इस तरह से लोगों के, स्पेशली महिलाओं के साथ ऐसा बदसलूकी करते हैं, वो इस प्रकार का जवाब देते हैं वो, तो क्या पहले व्यवस्था सिस्टम बदलना चाहिए? रेल बजट, बुलेट ट्रेन, तो सब बात की बात है, जो अभी चल रहा है पहले उसको तो सही करो, पहले वो तो सिस्टम सही करो। बिल्कुल, इंडियन रेलवे की पटरियां जहां जहां बिछाई हुई हैं उसे ठीक कर दिया जाए, मरम्मत का काम कर दिया जाए, जो कुछ लोग कमी है उसे भर दिया जाए और नौकरियां भी मिलेगी। यानी साफ तौर पर लोगों का यही कहना है, आप भी ये मानते हो कि जो कुछ है उसे पहले ठीक कर लो और नए की जरूरत नहीं? ठीक है, वो ठीक है, वो पहले ये सब करना चाहिए ना, ये सब नहीं करेगा ऊपर से भाड़ा बढ़ाएगा, ये करेगा दूसरे आदमी को पकड़ के पिटाई करेगा, ये करेगा, ये बात सही ना। अभी देखो इसका पैसा भी ले लिया, ऊपर से इसको मार भी दिया ना, इसको सजा मिलना चाहिए उसको, ये गलत किया है जो कुछ कर रहा है। आप क्या बोलेंगे, आपका भी ये कहना है? आप बोलोगे, आप बच्चे हो, क्या बोल रहे हो? तो देखा आशुतोष किस तरीके से यहाँ पर लोग खड़े तो हैं और चाह भी रहे हैं, बहुत सारी आस है, बहुत सारी सोच है, भ्रष्टाचार खत्म किया जाए, जो कुछ पटरियाँ यहाँ से वहाँ बिछाई गई हैं, रेलवे जहाँ तक काम कर रहा है उसे ही ठीक तरीके से संभाला जाए, फिलहाल ये लोगों का कहना है। कुछ लोगों ने तो ये भी कहा है कि भाड़ा बढ़ाया कोई बात नहीं है, लेकिन सुविधाएं भी उसी तरीके की दें। लगातार सिर्फ और सिर्फ एक डिमांड है कि जो बहुत ही सुखमय इनका जर्नी लगातार चले, इसके अलावा सुलभ भी जर्नी इनका पूरा का पूरा हो, यह है मुंबईकर की मांग। धर्मेंद्र, अगर हम आम आदमी की बात करें जो मुंबई में लोकल से प्रवास करते हैं, डेली उनका वास्ता पड़ता है, घर से निकलते हैं, दफ्तर जाते हैं या फिर दुकान जाते हैं, जो भी काम करते हैं, उनकी जिंदगी जानवरों जैसी हो गई है, अक्सर हमने ये देखा है, भाड़ा बढ़ जाता है लेकिन उनकी सुविधाएं जस की तस रहती है, सुविधाएं नहीं करना चाहिए यहाँ पर, असुविधाएं ही असुविधाएं हैं, तो क्या ये कभी कल्पना करते हैं कि अच्छे दिन आएंगे इनके लिए? जानिए उनसे आप। बिल्कुल, ये एक अहम सवाल है, फिर से हम चलते हैं, आप यहाँ पर आ जाइए, अच्छे दिन आएंगे, आपने नाम सुना था, हाँ, आपको लगता आएंगे? शायद तो अभी तक नहीं आए, आएंगे या नहीं आए अब तक, इंतजार है आपका? इंतजार तो करना पड़ेगा। चलिए आप बताइए, आप एक लाइन में बताइए, अच्छे दिन आएंगे? अच्छे दिन तो आएंगे, पर अच्छे दिन आएंगे पर उसके लिए हमें वेट करना पड़ेगा,
और एक चीज जो इसके साथ जो हुआ है ना, पहले इसको देखिए, मतलब ये बंदा वहाँ से काम करने के लिए आया है, इसके जिसने मारपीट गया है, पहले वो साले टीटी को पकड़ो पहले कि क्यों मारा है इसको, क्योंकि गरीब आदमी है, 3000 रुपये बहुत ज़्यादा होते हैं इनके लिए। ये अगर यहाँ पे आया है ना 4000-5000 कमाने के लिए आया होगा, अगर 4-5 दिन खाना नहीं देगा, भूख का रहेगा, तो फायदा क्या है यहाँ पे? अच्छे दिन तो आएंगे, पर इसके लिए हमें वेट करना पड़ेगा, अच्छा बाकी कुछ समय लगना होगा। कौन कहना चाह रहा था आप? कुछ नहीं, मैं कहना चाहता हूँ उसके साथ में जो हुआ है वो बहुत गलत हुआ है, और अच्छे दिन की जो बात है वो हमें तो नहीं लगता है कि अच्छे दिन आएंगे, क्योंकि हर कोई जो पार्टी होती है पहले आने से पहले सब कुछ यही कहते हैं, हर कोई यही कहता है कि अच्छे दिन आएंगे। कांग्रेस ने भी इससे पहले वही कहा था, अब बीजेपी ने वही कहा है, हमको तो नहीं लगता है कि अच्छे दिन आएंगे। आपको क्या लगता है अच्छे दिन होता है? मुझे तो ये लगता है उन्होंने कहा था अच्छे दिन आएंगे, लेकिन जनता के लिए कहा था या खुद के लिए कहा था वही हमें प्रश्न बढ़ गया है। शायद मुझे लगता है उन्होंने खुद के लिए कहा होगा कि हमारे अच्छे दिन आएंगे, जनता के तो बुरे से बुरे दिन अभी देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे, इसको मारा और अभी बहुत सारी घटना, ये तो आगे सामने आगे गया, बोल के गया, लेकिन ऐसे बहुत जो है अभी उसको बोलेंगे पुलिस में कंप्लेंट करो तो पुलिस भी उसको यही बोलेगी चुपचाप बैठने, तो हम भी हाथ साफ कर लेंगे। यही बात है, अच्छे दिन आए, बजट बढ़े कोई मतलब उसे दिक्कत नहीं है, लेकिन बजट के साथ सिर्फ सुविधाएं भी आए कुछ। हम तो देख रहे हैं जब से ये अंग्रेजों के बनाए हुए सब पटरी अभी तक चला रहे हैं इन लोग, खुद ने तो कुछ किया नहीं है, बस अभी बढ़ाने की बातें चलती रही। लास्ट टाइम भी उन्होंने कहा था कि रेल का मतलब रूटिंग बढ़ाएंगे, ट्रेन बढ़ाएंगे, अभी हमारे हिसाब से अभी तक आवश्यकता है बुलेट ट्रेन की, बुलेट ट्रेन की आवश्यकता है, बट वो वीवीआईपी लोगों के लिए, आम लोगों के लिए बुलेट ट्रेन की कोई आवश्यकता नहीं, आम लोग उसमें जा भी नहीं पाएंगे। आप बताइए क्या कुछ कहेंगे, मंत्री साहब को कुछ कहना चाहेंगे? हमारा कहना ये है सर कि जो बम्बई में रहने वाला, हम तो खासकर बम्बई में हैं, तो यहाँ की पब्लिक के लिए जो लोकल ट्रेन है उसकी व्यवस्था सुचारू रूप से करवा देवें और फ्रीक्वेंसी उसके बढ़वा दें, क्योंकि पब्लिक भूसे के जैसे आती जाती है, वो आप देख रहे हैं, और सबसे ज्यादा रेवेन्यू रेलवे को मेरे समझ से बॉम्बे देता है, कम से कम बॉम्बे के जो आम पब्लिक है उनको सुविधा मिलनी चाहिए, वो करवा दें, इतना ही चाहिए और कुछ नहीं। सही सही कह रहे हैं भाई साहब, कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं, वो तो करना ही चाहिए, जैसा जैसा देश बढ़ता है विकास होना चाहिए, बुलेट ट्रेन चला हुआ है, सेमी बुलेट चला, सब कुछ, लाखों की तादाद में रोजाना सीएसटी से लोग प्रवास करते हैं, यात्री करते हैं, ये वही मुंबईकर हैं, बहुत सी आस लगाए बैठे हैं, और देखना जरूरी होगा कि क्या कुछ खास निकलता है मुंबई के लिए। जी ये जो आप जानकारी दे रहे हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग धर्मेंद्र, लेकिन हम थोड़ी देर बाद आपके पास वापस आएंगे। एक बार फिर चलते हैं संजय मिश्रा जी के साथ और ये जानने की कोशिश करेंगे कि पिटारा खुलने के बाद किस तरह क्या की खुशबू आएगी, अगर हम सुविधाओं की बात करें, सुरक्षा की बात करें, या फिर महिलाओं का जो सफ़र होता है उसको लेकर कई सवाल खड़े होते हैं। साथ ही साथ मुंबई में कई प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जिसको लेकर कई सवाल उठते रहे हैं, अलग अलग पार्टी के लोग राजनीति भी करते हैं। संजय ये बताइए कि इस रेल बजट के बाद क्या जो समस्याएं लगातार घूम फिर रही थी वातावरण में, उनका एक माहौल फैल गया था, आपको लगता है कि उस पर कुछ असर पड़ेगा इस बजट के बाद? देखिए अवनीत, सबसे पहले आपको मैं ये बताना चाहूंगा कि चारों तरफ एक चीज मची हुई है कि अच्छे दिन आएंगे। अच्छे दिन आएंगे यह एक संकेत है, अच्छे दिन आएंगे यह एक कयास है, अच्छे दिन आएंगे यह एक अटकल है, अच्छे दिन आएंगे यह एक ख्वाब है, और अच्छे दिन आएंगे यह गत लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रस्तुत किया गया वह चुनावी घोषणा पत्र का एक पार्ट एंड पार्सल है। क्या इस पर मोदी सरकार खरी उतर पाएगी यह अभी देखने वाली बात होगी, लेकिन 125 करोड़ की आबादी वाला यह भारत वर्ष और इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इस इंफ्रास्ट्रक्चर की यदि बात करें तो यह इतना पर्याप्त नहीं है, इसीलिए कोई हाथ में जादुई छड़ी नहीं है कि जिसे घुमा दिया जाए तो ओवरनाइट अच्छे दिन आ जाए, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। समय अभी काफी कम बीता है, अभी बहुत कुछ करना है मोदी सरकार को, लेकिन हाँ जिन जिन चीजों को फोकस किया था मोदी सरकार ने, जिन जिन चीजों पर देश की जनता की जो निगाहें हैं वह टिकी हुई है, जिन जिन चीजों को देखते हुए देश की जनता ने हाथों हाथ नरेंद्र मोदी साहब को अपना प्रधानमंत्री चुना था, उन तमाम चीजों की कसौटी पर कितना खरे उतर पाएंगे मोदी साहब यह देखने वाली बात होगी। लेकिन लेटेस्ट आपको बताना चाहेंगे अभी अवनिंद्र, केंद्रीय रेल मंत्री सदानंद गौड़ा साहब ने अभी अभी ट्वीट करके कहा है कि वह देश की जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करेंगे। तो अब उनका जो यह चुनावी जो एक प्रकार से जो रेल बजट है, वह रेल बजट के उस पिटारे में जनता के लिए क्या क्या होगा यह देखने वाली बात होगी। लेकिन मुंबई की जो जनता है और खास करके मुंबई में इसी साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं, तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना का एक प्रकार से यहाँ पर एक दबदबा कहा जाता है, और इस विधानसभा चुनाव में
वोट बैंक को बड़े पैमाने पर वोट बटोरने की जो तैयारी है, उस तैयारी का जो शुरुआत है वह इस रेल बजट पर भी निर्भर करता है, क्योंकि भारतीय रेल एक बहुत बड़ा संस्थान है अवनिंद्र, और धनोत्पार्जन का एक बहुत बड़ा जरिया भारत सरकार के लिए है, और इस बड़े संस्थान से यानी एक नदी बह रही है, इस बहते हुई नदी में से यदि एक लोटा पानी कोई निकाल ले तो शायद इसकी जान किसी को पता तक नहीं चलेगा, तो ऐसे में भ्रष्टाचार जो है, भ्रष्टाचार का जो दीमक है वह भारतीय रेल विभाग से भी अछूता नहीं है। बड़े पैमाने पर यहाँ पर जीआरपी और आरपीएफ, इसके अलावा एसआरपीएफ की टुकड़ी जो है वह हर रेलवे स्टेशनों पर तैनात होती है। संजय आपको बता दें कि हाल ही में बहुत ही ताज़ा बयान आया था वित्त मंत्री जी का कि अगर हम कड़वी दवा नहीं पिलाते देश की जनता को, रेलवे में बढ़ोतरी नहीं करते किरायों में, तो चक्का जाम करना पड़ता, तो क्या वाकई ऐसी स्थिति हो सकती थी क्या? देखिए हम मारेंगे लेकिन आपको रोने नहीं देंगे, एक प्रकार का यह जो कहावत है उसे चरितार्थ होते देखा गया है। अभी पिछले दिनों जिस प्रकार से यात्री रेल किरायों में वृद्धि की गई थी और खास करके बेतहाशा वृद्धि, मासिक रेल किराए शुल्क में तकरीबन 190 रुपए जहां प्रति महीना दिया जाता था यात्रियों द्वारा, उसे सीधे सीधे 600 के ऊपर कर दिया गया और कुछ समय के बाद फिर उसे कम किया गया, तो इसे एक पॉलिटिकल स्टंट कहें या फिर कुछ और, यह जो है समझ के परे है। विधानसभा चुनाव की भी तैयारी करनी है और लोगों को इसके लिए ज्यादा से ज्यादा जनता के बीच जाकर जनता के हितों की बात करके कैसे उनको अपने तरफ रिझाना है, कैसे उनको अपने तरफ आकर्षित करना है, क्योंकि जनता को सिर्फ एक ही चीज का इंतजार है, वह है कि रेल किरायों में वृद्धि ना की जाए, समय से जो रेल का परिचालन है वो किया जाए और जो सहूलियत जो सुविधाएं हैं वह यात्रियों को दिया जाए, बस इतनी सी दरकार जनता को है। इसके अलावा इस रेल बजट में लोग क्या कुछ निकल कर आएगा उससे किसी को कोई मतलब नहीं है अवनिंद्र। अगर हम पवन बंसल की बात करें, यूपीए सरकार में रेल मंत्री थे, उन्होंने पिछला बजट पेश किया था, बड़े बड़े वादे किए गए थे, बड़े लुभावने सपने दिखाए गए थे, वाईफाई करेंगे, स्टेशनों को हम उच्च क्वालिटी का बनाएंगे, फैसिलिटी देंगे, सीनियर सिटीजन्स के लिए, महिलाओं के लिए विशेष सुविधाओं का एक आगाज दिया जाएगा, लेकिन सबके जो सारे वादे थे पवन बंसल के, यूपीए गवर्नमेंट के, वो सबके सब अधूरे ही रहे। अगर हम पूरी होने की बात करें तो कुछ भी सपने जो हैं वो पूरे नहीं हो पाए हैं, तो मोदी सरकार पे कितनी बड़ी चुनौती होगी, खासकर आज हम सदानंद गौड़ा की बात करें तो। संजय तो जाहिर सी बात है कि आज जिस तरह से रेलवे बजट आने वाला है उसको लेकर देश में एक उम्मीद की किरण देखने को मिल रही है, हर कोई चाहता है कि रेलवे जो बहुत बड़ा संस्थान माना जाता है जिससे हम अपनी ज़िंदगी का अहम हिस्सा तय करते हैं, अपनी मंजिलों तक पहुंचते हैं, आज उसमें किस तरह का परिवर्तन हो सकता है, क्योंकि मोदी सरकार का ये पहला रेल बजट है और वादा किया गया था कि अच्छे दिन आएंगे, लेकिन अच्छे दिन को लेकर जो परिभाषा है आम आदमी में उसको हमने देखने की कोशिश की, बताने की कोशिश की, और निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि आम आदमी के मन में सरकार को लेकर, रेल सुविधाओं को लेकर एक नाराज़गी तो ही है ही, साथ ही साथ एक निराशा भी है, और ये निराशा ही कहीं ना कहीं से इस देश के विकास को बाधित करने का काम किया है। जाहिर सी बात है अगर देश की जनता, देश का यात्री खुश रहेगा, सुरक्षित अपने आप को महसूस करेगा, तो रेलवे की जो गति है उसमें बहुत ज़्यादा रफ्तार आएगी और एक उम्मीद की किरण देखी जाएगी। लेकिन अभी जो बुलेट ट्रेन चलाने की बात की जा रही है, चीन और जापान की तुलना की जा रही है कि भारत को उस श्रेणी में बनाया जाएगा रेलवे को लेकर, तो कहीं ना कहीं से अभी मुंगेरी लाल के हसीन सपने की तरह इसको आम आदमी महसूस कर रहा है, क्योंकि अगर हम मुंबई करों की बात करें तो उनकी जो यात्रा है वो बहुत ही खतरनाक है, उनकी ज़िंदगी में वो खुशी नहीं आ पाई है कि वो रेलवे में उस सफ़र का आनंद ले पाएँ, वो बहुत ही मजबूरी में चढ़ते हैं, मजबूरी में उतरते हैं, उनको लगता है चलो आज का दिन निकला, और ट्रेनों में जो भी सुविधाएं होती हैं उसको लेकर कभी गंभीर जो होनी चाहिए थी रेलवे को उसमें कभी लगातार हमें कमी महसूस नजर आई है, जैसा कि हमने आम लोगों की राय से आपको अवगत कराने की कोशिश की। रेल मंत्री सदानंद गौड़ा पेश करने वाले हैं और रेल बजट इस बार जो होगा उसमें किस तरह की नई चीज़ें होंगी ये देखने वाली बात होगी, और आपको बता दें कि मोदी सरकार की तरफ से ये पेश किया जाने वाला पहला रेलवे बजट है और सदानंद गौड़ा उम्मीद कर रहे हैं कि आम आदमी के साथ वो अपने आप को जोड़ पाएंगे, और सुविधाओं की बात ये भी कर रहे हैं, गौड़ा भी कह रहे हैं कि हम वाईफाई की सुविधा करेंगे, महिलाओं के साथ साथ सीनियर सिटीजन
सिटीजन्स की भी सुरक्षा की बात कर रहे हैं, साथ ही साथ आधुनिक तकनीक का फायदा तो उठाएंगे ही, लेकिन उन्होंने एक नया कदम उठाया है कि ट्विटर से और फेसबुक के जरिए लोगों की राय अपने तक मंगाई है और लोगों ने जो सजेशंस दिए हैं उसको भी उन्होंने सुना है। लेकिन देखना ये होगा कि वाकई रेल मंत्री सदानंद गौड़ा उस सलाह को, जो एक सजेशंस होते हैं लोगों के, उसके प्रति कितने गंभीर नजर आते हैं। जिसके पास आऊंगा अगर उसने तो लगातार ये देखने की उम्मीद की जा रही है कि आज का बजट का जो पिटारा खुलेगा रेलवे का, उसमें किस तरह की सुविधाएं, किस तरह की सहूलियतें आम यात्रियों के लिए। संजय मिश्रा के पास एक बार हम फिर चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आम आदमी मुंबई कर का, जो मुंबई कर है, लगातार भाड़ा देता है, असुविधाओं का सामना करता है, मंजिल तक पहुंचता है, कई बार मंजिल तक नहीं भी पहुंच पाता है। कुछ तो लोग ऐसे भी होते हैं संजय कि जो कहते हैं कि हम जा तो रहे हैं लेकिन आप आएंगे कि नहीं इसका कोई भरोसा नहीं, कोई गारंटी नहीं है जिंदगी की। बिल्कुल अवनिंद्र, आपको बताना चाहेंगे कि अब तक रेलवे से जितनी भी दुर्घटनाएं हुई हैं उसमें 90% जो दुर्घटनाएं हैं उसमें लोगों की मौत हो गई है। और यही कहा जाता है कि रेलवे से यदि किसी का एक्सीडेंट होता है तो उसकी बाकी की जो जिंदगी होती है वह उस तरीके की नहीं होती जैसे कि पहले हुआ करती है। बिल्कुल। तो अब जो लोग हैं वह लोग तो सिर्फ यही सोचते हैं कि हम जब किराया देते हैं, हम जब भुगतान करते हैं, तो बदले में रेलवे को भी चाहिए कि वह सुविधाएं प्रदान करे। और बात की जाए भारतीय केंद्रीय रेल मंत्री सदानंद गौड़ा साहब की, तो आज दो चीज का दबाव उनके ऊपर आसानी से देखा जा सकता है। पहला जो दबाव है वह जनता की उम्मीदें हैं, दूसरा जो दबाव है वो रेल महकमे में जिस प्रकार से लगातार जो खर्च है, खर्च का जो पैमाना बढ़ा है वो है, और इस चीज को कैसे कवर किया जाएगा यह है। हम बताना चाहेंगे महिलाएं जो होती हैं वह बड़े पैमाने पर रेलवे में सफर करती हैं, सुरक्षा के दृष्टिकोण से उनको इंतजार रहता है कि किसी तरह का जो सहूलियत है वह रेल प्रशासन उन्हें प्रदान करे। हर रेलवे स्टेशनों पर बड़े पैमाने पर सीसीटीवी लगाए गए हैं ताकि समय रहते ही किसी अप्रिय वारदात को रोका जा सके या फिर किसी भी आपराधिक गतिविधियों के बाद उस अपराध में संलिप्त तथा कथित आरोपी को समय से पहले गिरफ्तार किया जा सके। यही कारण है कि हर रेल महकमे में बड़े पैमाने पर सीसीटीवी लगाए गए हैं और उसका जो फुटेज है वह लगातार देखा जाता है कंट्रोल रूम से। जनता जो महिलाओं की यदि बात करें तो हमारे साथ यहाँ पर हमारा अपना स्टाफ है जो ट्रेन से सफर करता है, हम खुद उनसे जानने की कोशिश करते हैं। आप से जानना चाहेंगे आप अपने घर से दफ्तर कैसे पहुँचते हो। बहुत तकलीफ होती है ट्रेन में सफर करते समय। पहली बार तो महिला के लिए सुरक्षा है वो कुछ काम की नहीं है। पहली बात तो महिला के लिए पुलिस वगैरह है जो कुछ काम की नहीं है। बहुत तकलीफ हो रही है। पुलिस की यदि बात करें तो किस प्रकार का तजुर्बा आपको रहा है? सुना है आपका मोबाइल बीते दिनों जो ट्रेन में है वह खो गया था, आप शिकायत करने के लिए वहाँ पहुँचे थे। तो महिला के ट्रेन के लिए शिकायत करने गई तो वहाँ पे ताला लगा था। पहली बात तो पुलिस स्टेशन जो होते हैं प्लेटफॉर्म पे वहाँ पर ताला लगा था, तो मैं पुलिस स्टेशन में जाई, वहाँ पे किए तो बोल रहे देखते हैं करेंगे कुछ ऐसे बोल के उन्होंने टाल दिया। वही बात कोई पहला मामला नहीं है। हम आपको बताना चाहेंगे कि बृहन्मुंबई महानगर पालिका के एक स्कूल के अध्यापक हैं जो सांता क्रूज में रहते हैं, उनका भी जो मोबाइल है वह इसी तरह से चोरी हुआ था चलती ट्रेन में, जिसकी शिकायत लेकर वह जब जीआरपी के पास पहुंचते हैं तो वहां पर ड्यूटी पर उपस्थित वह अधिकारी उनसे कहता है कि आपको शिकायत दर्ज कराने की आवश्यकता नहीं है, आप अपना मोबाइल नंबर देके जाइए, आप अपना एड्रेस देके जाइए, हम आपको संपर्क कर लेंगे। तो आप आसानी से इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि खामियां कहां कहां हैं, और खास करके सुरक्षा वक्त की जरूरत है। और महिलाओं को जो सुरक्षा दी जाती है वह सुरक्षा इतनी पर्याप्त नहीं है। महिला लोकल की बात हो या फिर महिला डिब्बे की बात हो, उसमें बड़े पैमाने पर गर्दी होती है, उस गर्दी से भी निजात पाने के लिए महिलाओं को कुछ मिले ऐसी उनकी सोच होती है। आपसे जानना चाहेंगे कि आप अपने घर से जब दफ्तर पहुंचते हैं और दफ्तर से जब घर जाते हैं, कौन सा ऐसा समय होता है कि जिस दौरान आपको सबसे ज्यादा तकलीफ ट्रेन के अंदर होती है? जबकि ट्रेन जब लोगों को छूटने का टाइम होता है, वो दफ्तर से जैसे छूटते हैं वैसे जितनी भीड़ होती है उतनी मतलब
जो ट्रेन की पटरी है बहुत लंबी साइज की होती है, वहाँ से कुछ भी हो सकता है, पैर फिसल जाते हैं, बरसात में तो उन लोग का पैर भी फिसले तो डायरेक्टली ट्रेन के नीचे ही जाते हैं लड़कियाँ। इम्पोर्टेंट बात इन्होंने बताई है अवनिंद्र, जिसके ऊपर रेल प्रशासन का हम ध्यान आकृष्ट कराना चाहेंगे कि जिस प्रकार से रेलवे स्टेशनों पर जब ट्रेन आकर रुकती है तो रेलवे स्टेशन का जो ऊपरी सतह होता है और ट्रेन का जो सतह होता है उसके बीच में जो अंतराल है उसमें काफी गैप होता है। इस गैप को यदि समय रहते नहीं दुरुस्त किया गया, समय रहते नहीं पाटा गया, नहीं इसे खत्म किया गया तो जो दुर्घटनाएं हैं उनकी संख्या में और भी इजाफा हो सकता है, और खास करके गर्भवती महिलाएं हो, सीनियर सिटीजन हो। बिल्कुल, अभी जिस तरह का जो भी दृश्य हमने देखा, जो भी तकलीफ हमने महसूस की, अब चुनौती है रेल मंत्रालय के सामने। मोदी सरकार पहली बार किस तरह से इस चुनौती को देखती है, आम आदमी को कितना भरोसे में ले पाती है, ये देखना दिलचस्प होगा। और कुछ ही समय बाद हम सदानंद गौड़ा के पास चलेंगे, लेकिन इस सफर को फिलहाल हम विराम देते हैं। बहुत जल्द हम आपके सामने हाजिर होंगे, लेकिन आप लगातार बने रहिए लेमन न्यूज़ के साथ, और मुझे दीजिए फिलहाल इजाज़त। नमस्कार। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मुद्दे की बात में। सवाल भारतीयता और अमरीकी न्यायिक प्रक्रिया का नहीं, आपस के डिफरेंसेस की वजह से एक व्यक्ति कांग्रेस के पास चला गया और एक उसके विरोध में चला गया। सलमान जी, ये तो हमें बोलने नहीं दे रहे। आकंठ राजनीति में डूबे कुछ नेताओं ने इसमें भी अपनी रोटी सेकने का सामान इकट्ठा कर लिया है। आप में एक विक्रम साबित होगा। आज लोकसभा में दौड़ेगी रेल मंत्री सदानंद गौड़ा की बजट एक्सप्रेस। बुलेट ट्रेन पर टिकी है सबकी निगाहें। बजट पेश करने से पहले रेल मंत्री सदानंद गौड़ा ने कहा, रेलवे में सुरक्षा अहम मुद्दा है। बजट से पहले यूपीए सरकार पर बरसे वित्त मंत्री अरुण जेटली, कहा रेल और अर्थव्यवस्था का बुरा हाल, लेने होंगे कड़े फैसले। और संघ नेता आर माधव अब बीजेपी के लिए करेंगे काम, संघ की बैठक में लिया गया फैसला। नमस्कार, मैं हूं अवनिंद्र आशुतोष। बजट एक्सप्रेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का दिन रेल मंत्री सदानंद गौड़ा का है। रेल मंत्री आज 12 बजे संसद में अपना और मोदी सरकार का पहला रेल बजट पेश करेंगे। वहीं 2 बजे राज्यसभा में रेल बजट पेश किया जाएगा। रेल बजट से जनता को बहुत सारी उम्मीदें हैं। माना जा रहा है कि ये विकास को बढ़ावा देने वाला बजट साबित हो सकता है। बजट में बुलेट ट्रेनों और रेलवे के कुछ क्षेत्रों में FDI का बड़ा ऐलान कर सकती है मोदी सरकार। यानी रेल मंत्रालय कहीं ना कहीं से कुछ ऐसा करने जा रहा है जिससे लोगों को लगेगा कि हाँ, मोदी सरकार ने कुछ अलग किया है। संसद बजट सत्र का आज दूसरा दिन होगा। बजट सत्र के दूसरे दिन रेल मंत्री सदानंद गौड़ा रेल बजट पेश करेंगे। सारे देश की निगाहें संसद में पेश होने वाले रेल मंत्री के रेल बजट पर लगी हुई हैं। जाहिर है रेल मंत्री का ये पहला बजट है, लिहाजा देश
रेल मंत्री से उम्मीदें लगाए बैठा है। देश ये चाहेगा कि बजट सत्र के दौरान रेल मंत्री के पिटारे से क्या क्या निकलता है जो उसके फायदे में हो। हमारी अर्थव्यवस्था में और आम आदमी के जीवन में रेल की अहम भूमिका है। सरकार ने इस बार रेल बजट से पहले रेलवे का किराया बढ़ा दिया। किराया बढ़ाने के बाद रेल यात्री का मिजाज सरकार को लेकर कड़वा हो गया है। इसी वजह से आम बजट से पहले पेश हो रहे रेल बजट से आम आदमी को ज्यादा उम्मीदें नहीं, क्योंकि बजट पेश होने से पहले ही अच्छे दिनों का वादा कर सत्ता में आई मोदी सरकार ने जनता को कड़वी दवा की डोज दे दी है। फिर भी ना उम्मीदी के दौर में भी जनता बजट से कुछ ना कुछ उम्मीद लगाए हुए हैं। रेल मंत्री डीवी सदानंद गौड़ा के पिटारे में मुसाफिरों के लिए सौगातें क्या क्या है, इस पर भी सभी की निगाहें हैं। मोदी सरकार के पहले रेल बजट से बहुत ज्यादा अब आशा तो नहीं, लेकिन फिर भी उम्मीद की जा रही है। रेल मंत्री सदानंद गौड़ अपने पहले रेल बजट के रूप में एक ऐसा बजट पेश करेंगे जिससे रेलवे की दशा, दिशा और रफ्तार में बड़े बदलाव नजर आएंगे। रेल बजट 2014-15 से उम्मीद लगाई जा रही है कि देश में हाई स्पीड बुलेट ट्रेन, सेमी हाई स्पीड ट्रेन की शुरुआत के साथ यात्री सुविधाओं, ऊर्जा संरक्षण, यात्री सुरक्षा, भोजन की गुणवत्ता तथा स्वच्छता पर खास ध्यान दिया जाएगा। गौरतलब है कि हाल ही में दिल्ली से आगरा तक चलने वाली हाई स्पीड ट्रेन का सफल ट्रायल किया गया, जिससे आने वाले दिनों में और रेल बजट में हाई स्पीड ट्रेनों के रेल पटरियों पर दौड़ने की संभावना को बल मिलेगा। साथ ही रेल गाड़ियों के पुराने कोचों को चरणबद्ध ढंग से बदलकर आधुनिक LBH कोच के लिए बजट में भी प्रावधान होने की उम्मीद है। रेल गाड़ियों में होने वाली टक्करों को रोकने के लिए टेक्नोलॉजी लगाने की संभावना जताई जा रही है। राजधानी गाड़ियों और शताब्दी गाड़ियों में वाईफाई इंटरनेट कनेक्टिविटी की सुविधा मुहैया कराने का ऐलान भी रेल मंत्री कर सकते हैं। वहीं शताब्दी गाड़ियों में हर सीट पर हवाई जहाज की तर्ज पर छोटे टीवी स्क्रीन लगाना, प्रमुख रेलवे मार्गों पर पुरानी पटरियों को बदलना एवं पटरियों के ज्वाइंट को दुरुस्त करना, स्टेशनों पर प्लेटफॉर्म शेड एवं अन्य खाली स्थानों पर सौर पैनल लगाकर स्टेशनों को ऊर्जा आत्मनिर्भर बनाना, रेल संरक्षा कोच बनाना, राजधानी शताब्दी गाड़ियों में भोजन मेनू में क्वालिटी एवं वैरायटी सुधारने के लिए भी रेल मंत्री के पिटारे में प्रावधान हो सकते हैं। इसके साथ ही शताब्दी और राजधानी ट्रेनों के डिब्बों में आग पर काबू पाने वाली एक विशेष टेक्नोलॉजी लगाने का प्रस्ताव भी रेल मंत्री कर सकते हैं। बहरहाल उम्मीद और नाउम्मीद के बीच झूल रही जनता को भले ही रेल बजट से बहुत ज्यादा आशा न हो, फिर भी रेल मंत्री के पिटारे का खुलने का हर कोई बेसब्री से इंतजार कर रहा है। आज के रेल बजट में रेल मंत्री सदानंद गौड़ा रेल यात्रियों को क्या सौगात दे सकते हैं, आइए इस पर डालते हैं एक नजर। रेल बजट का जोर यात्रियों की सुख सुविधा और कॉस्ट कटिंग पर होगा। ट्रेनों की साफ सफाई और उसके समय से चलने पर भी कदम उठाने या उसके फैसले के ऊपर निगाहें रखी जाएगी। ट्रेनों में खाने की क्वालिटी सुधारने पर जोर दिया जा सकता है। साथ ही राष्ट्रीय स्तर पर शिकायत के लिए टोल फ्री नंबर भी शुरू किया जा सकता है रेल मंत्रालय की तरफ से। बजट में और प्रीमियम ट्रेनें चलाने का ऐलान भी हो सकता है जिसका किराया एयरलाइंस की तर्ज पर होता है, यानी सुविधाओं को एक नया आयाम दिया जाएगा। डीजल की खपत घटाने के लिए विद्युतीकरण पर जोर दिया जा सकता है। तो वहीं सोलर पावर स्टेशन शुरू करने का भी ऐलान मुमकिन है। वर्ल्ड क्लास स्टेशन विकसित करने के लिहाज से स्टेशन डेवलपमेंट अथॉरिटी को अधिकार दिए जा सकते हैं।
स्टेशनों के विकास के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी पीपीपी को आमंत्रित किया जा सकता है। सभी प्रीमियम ट्रेनों में वाईफाई की सुविधा दी जा सकती है। जिस तरह से इंटरनेट क्रांति का दौर है, इसमें ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाना चाहती है रेलवे। राजधानी और शताब्दी जैसी ट्रेनों में नए कोच मॉडल के तहत ऑटोमेटिक डोर जैसी सुविधा भी संभव हो सकती है। यात्रियों के लिए डिस्पोजेबल बेडशीट और पिलो कवर के इंतजाम का प्रस्ताव हो सकता है, यानी चादर यूज एंड थ्रो। उसके अलावा सुरक्षा भी यह मुद्दा है और सुरक्षा के लिए स्पेशल फंड बनाया जा सकता है, जिसकी बहुत ही जरूरत महसूस की जा रही है। साथ ही रेलवे के चुनिंदा क्षेत्रों में एफडीआई और पीपीपी संभव। तो दूसरी तरफ राजधानी ट्रेन की तरह तुरंतो एक्सप्रेस का भी ठहराव भी दूसरे स्टेशनों पर तय किया जा सकता है। तुरंतो एक्सप्रेस एक नया अलग तरीके का सफर है और सेमी हाई स्पीड ट्रेन दिल्ली चंडीगढ़ और दिल्ली कानपुर रूट पर चलाने का प्रस्ताव भी शामिल हो सकता है इस रेलवे बजट में। बुलेट ट्रेन को लेकर भी नई नीति की पहल की जा सकती है रेल मंत्रालय द्वारा। और महिला सुरक्षा को लेकर आरपीएफ में महिलाओं की भर्ती के अलावा कई अलग आयाम ढूंढे जा सकते हैं, क्योंकि ट्रेन हादसों को रोकने के लिए काकोदकर कमेटी के ज्यादातर प्रस्तावों को भी मंजूरी दे जाने की संभावना व्यक्त की जा रही है। मोदी सरकार की पहली रेलवे बजट आज पेश होने वाली है। हर साल रेल मंत्री रेल बजट पेश करते हैं, जिनमें यात्री सुविधाओं को बढ़ाने के साथ ही नई ट्रेनें चलाने के बहुत सारे प्रस्ताव होते हैं, जिनमें से कुछ महज ही पूरे हो पाते हैं। रेल बजट 2014-15 पेश होने से पहले लाजमी है कि पिछले साल 2013-14 रेल बजट पेश करने वाले यूपीए सरकार के पूर्व रेल मंत्री पवन बंसल ने जो प्रस्ताव किए थे उन पर एक नज़र डालते हैं। बजट में उन्होंने जो वायदे किए थे वो कैसे थे, उनसे कितने पूरे हुए और कितने नहीं। कॉइन ऑपरेटेड टिकट वेंडिंग मशीन अभी तक परीक्षण पर। हम जाने की कोशिश करें कि वादों पर कितना अमल हुआ। 160x2000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली सेल्फ प्रोपेल्ड दुर्घटना रहित गाड़ी आज तक नहीं चली, यानी 160 और 200 किलोमीटर की स्पीड से चलने वाली गाड़ियों के बारे में। एंटी क्लाइंबिक फीचर वाले टक्कर रोधी LLB सवारी कोच योजना अभी तक पटरी पर नहीं आ पाई है। कोचों में अग्निरोधी फर्निशिंग का इस्तेमाल आज तक नहीं हुआ, यानी आग लगती है तो तत्काल सुरक्षा के उपकरण नहीं है। खान पान में प्लास्टिक के उपयोग पर प्रतिबंध, मुंबई में प्रतिबंध लगाने की कोशिश की गई थी लेकिन अभी भी सफलता नहीं मिली है। ट्रेनों में बायो एवं ग्रीन टॉयलेट्स, इन पर चरणबद्ध तरीके से काम तो चल रहा है लेकिन अब तक इसका जो फायदा होना चाहिए वो नहीं मिल पाया है। वहीं ट्रेनों में अनाउंसमेंट और इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले बोर्ड की फैसिलिटी, मेल एवं एक्सप्रेस ट्रेनों में ये सुविधा अब तक उपलब्ध नहीं हो पाई है। गाड़ियों में फ्री वाईफाई सुविधाएं उपलब्ध कराना अभी तक सिर्फ हावड़ा से दिल्ली राजधानी में ही मिली है ये सुविधा, बाकी लोग वंचित हैं इस सुविधा से। ट्रेनों में एक सवारी डिब्बे अनुभूति, इसकी शुरुआत आज तक नहीं हो पाई जिसका दावा किया गया था पवन बंसल द्वारा। सीनियर सिटीजन्स और अन्य के लिए एस्केलेटर और लिफ्ट की सुविधा, एस्केलेटर चरणबद्ध तरीके से लगाए तो जा रहे हैं लेकिन जितनी संख्या होनी चाहिए उसमें लगातार कमी देखने को मिल रही है। साढ़े 12 बजे से 23:30 तक इंटरनेट टिकटिंग होगी, IRTC द्वारा शुरू कर दी गई है। हम बता रहे हैं कि वादों पर कितना अमल किया था यूपीए सरकार ने।
67 नई एक्सप्रेस गाड़ियां चलाना, मुंबई से घोषित सभी गाड़ियों का परिचालन शुरू हो गया है, जो निश्चित रूप से मुंबई वासियों के लिए बहुत उपलब्धि भरा है। मुंबई लोकल में प्रथम एसी ईएमयू रेक अभी तक शुरू नहीं हो पाई है। मुंबई में 72 अतिरिक्त लोकल सेवाएं शुरू करना नए रेक आने के बाद ही संभव हो पाएगा। अहम दिन है, रेल यात्रियों के लिए अहम दिन है और पूरे देश के लिए एक नई उम्मीद की रोशनी आज देखने का मौका है, क्योंकि मोदी सरकार ने जिस तरह से वादे किए थे कि अच्छे दिन आएंगे, सदानंद गौड़ा पहले बार अपने मोदी सरकार की तरफ से बजट पेश करने वाले हैं आज, और इसी संबंध में हमारे संवाददाता, जो वरिष्ठ संवाददाता है संजय मिश्रा, उनके पास चलते हैं सीधे और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि मुंबई में किस तरह का माहौल है और एक आम यात्री होने के नाते यहाँ के लोग क्या सोचते हैं। संजय मिश्रा जी, आपसे यह जानना चाहेंगे कि आज मोदी सरकार की तरफ से पहली बार रेल बजट पेश किया जाएगा सदानंद गौड़ा द्वारा, आप तो ये बताइए कि मुंबई में जो आम आदमी है, खासकर अगर हम मुंबई की बात करें, तो आज उनके मन में किस तरह के सवाल हैं, किस तरह की उम्मीदें हैं? बिल्कुल अवनिंद्र, आपको बताएंगे कि केंद्र में हुई नई सरकार की जो ताजपोशी है नरेंद्र मोदी साहब, उनके उनकी तरफ से यह पहला आज रेल बजट जो है वह पेश होने वाला है, और एक प्रकार का यह एक सुनहरा सपना जो लोगों को दिखाया गया था, बस सपना कितना पूरा हो पाएगा यह कुछ ही समय में क्लियर हो जाएगा। बात की जाए मुंबई की, तो मुंबई वासी हमेशा से ही उस इंतजार में रहते हैं कि जिन जिन चीजों की जिन जिन चीजों का उल्लेख रेल बजट के दौरान किया जाता है उसे समय पर पूरा नहीं किया जाता, और यही इंतजार मुंबई वासियों को रहता है, और इस बार भी शायद यही इंतजार है कि बेसब्री से वह इंतजार करते देखे जा सकते हैं कि अभी सदानंद गौड़ा साहब की जो गौड़ा गाड़ी चलेगी उसमें किस किस तरह की चीजें जो जनता के हितों में होगी, यह बेसब्री से इंतजार कर रही है। और खास करके बात की जाए तो मुंबई आर्थिक राजधानी है, मुंबई की जो लोकल है वह मुंबई की लाइफलाइन कही जाती है, लाखों की तादाद में जो यात्री हैं वह अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचने के लिए इस रेलवे का इस्तेमाल करते हैं, और ऐसे में यात्री किराया में क्या बढ़ोतरी हो पाती है, माल जो ढुलाई होती है क्या उसमें बढ़ोतरी हो पाती है, इसके अलावा जो बुलेट ट्रेन के जो सपने दिखाने की कोशिश करी है मोदी सरकार ने, वह उसका पैमाना किस प्रकार का होगा, और खास करके एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ यह है अवनिंद्र की जो दुर्घटनाएँ होती हैं वह बड़े पैमाने पर होती हैं, उन दुर्घटनाओं को रोकने के लिए जिस प्रकार से बड़े बड़े दावे किए जाते हैं और जो एहतियात बरतने की बात की जाती है, क्या इस रेल बजट में उसका भी जिक्र होगा, क्या इस रेल बजट में तमाम जो दुर्घटनाएं हैं उस पर लगाम कस पाने के लिए क्या उसका पैमाना सही होगा, ये तमाम जो चीजें हैं, और खास करके बात की जाए तो लेट लतीफी, भारतीय रेल आपकी सेवा में तत्पर, यह एक स्लोगन है अवनिंद्र भारतीय रेल का, लेकिन जो लेट लतीफी की बात की जाए तो लेट लतीफी एक बहुत बड़ी खामी कही जा सकती है, क्योंकि जो गति है उस गति अपने आप में एक ताकत होती है, और इस ताकत का अंदाजा चीन जैसा देश जो है वह लगा चुका है, शंघाई जैसा, शंघाई की बात की जा रही है मुंबई को शंघाई बनाने की, तो क्या शंघाई की तर्ज पर मुंबई का विकास हो पाएगा, इन तमाम जो चीजें हैं लोगों की जो निगाहें हैं वह एक टकटकी लगाए बैठी है कि अब कुछ समय बाद जब सदानंद गौड़ा जो भारतीय केंद्रीय रेल मंत्री हैं वह अपना जब बजट पेश करेंगे तो उनके बजट के पिटारे में जनता के हितों में क्या क्या होगा। बिल्कुल, कहीं ना कहीं से जो उम्मीद है संजय उसको हम महसूस कर पाएंगे कुछ ही देर बाद। आपने जो जानकारी दिया उसके लिए बहुत शुक्रिया, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ। अब हम सीधे चलते हैं सीएसटी स्टेशन, जहां हमारे संवाददाता धर्मेंद्र रुबे मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि फिलहाल वहां का क्या माहौल है और उनके साथ जो यात्री लोकल ट्रेन में घूमते हैं, ट्रेनों में सफर करते हैं, उनका क्या रिएक्शन हो सकता है। धर्मेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे कि कुछ ही क्षणों के बाद बजट का जो सत्र है वो शुरू हो जाएगा, अभी जो मुंबई के लोग हैं इस बजट को लेकर कितने उत्कंठित हैं, कितने आह्लादित हैं, ये जानना चाहेंगे आपसे। अब
बिल्कुल, सबसे पहले जो है मैं मुंबई का वो दृश्य दिखाना चाहता हूँ, सीएसटी स्टेशन दिखाना चाहता हूँ और ये महसूस करवाना चाहता हूँ दर्शकों को कि कितनी बड़ी संख्या में मुंबई के लोकल में रोजाना ही लोग प्रवास करते हैं, यात्री जो है सफर करते हैं, अपने अपने मंजिलों पर जाते हैं, अपने काम पर जाते हैं। ये दृश्य आप देख रहे हैं सीएसटी स्टेशन है और अभी एक लोकल ट्रेन जो है पहुंची हुई है, यात्री वहां से निकले हुए हैं और अपने अपने ऑफिसेज या फिर अपने जो भी काम पे है वहां जा रहे हैं। ये दिखाना इस वजह से जरूरी था कि ये वही लोकल है, जीवन कहते हैं लाइफलाइन है, लाखों लोग आते हैं जाते हैं और इन्हीं की जो सबसे बड़ी समस्या है वही समस्या जो है पूरी नहीं हो पा रही है। आपको बताएं कि पहले मुंबई से थाने का सबसे पहला रेल जो है यहाँ से हुआ था और आज यही की जो समस्या है बहुत बड़ी समस्या है। बहुत से लोग हैं हमारे साथ, बहुत से लोग मौजूद हैं, जानने की कोशिश करते हैं। दादा आपको पता होगा कि आज रेल बजट पेश हो रहा है, क्या डिमांड है आपकी, क्या कमी रहेगी उसमें? तो पब्लिक ही मरेगी, नेता लोग कुछ कुछ नहीं करने वाले, या कोई भी मंत्री आन दो या कोई भी आन दो, कोई भी सरकार आन दो, उसमें जनता का ही हाल है, जनता तो मर रही है, जा रही आ रही है बस। आपकी क्या डिमांड होगी बजट? सर हम चाहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया जाए, हमें बहुत सारी तकलीफ होती है, बजट हर कोई आता है, कोई भी सरकार आने दो, रेल किराया बढ़ा देता है लेकिन लोगों को मदद कुछ नहीं होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर वैसे ही पड़ा रहता है, हर जगह वही धक्का मुक्की, वही एक्सीडेंट रोज हमें देखने पड़ते हैं, कोई सुविधाएं नहीं है, खाली अच्छे दिन आने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं, क्या यही अच्छे दिन है? क्या यही अच्छे दिन का मोदी जी ने हमें सपना दिखाया था? इतना लोग एकजुट होके एक तरफा वोट किया था, क्या ये अच्छे दिन के लिए हमने वोट किया था? रेलवे हाँ बुरा दिन, मुझे लग रहा है कि अब बुरा दिन शुरू हो गया, हर चीज महंगा कर रहा है, पेट्रोल डीजल एवरीथिंग महंगा हो रहा है, उसमें से उसपे से इतना बड़ा महंगाई का झटका। और उनसे कहिए कि अभी रेल बजट पेश होने वाला है उसके बाद वो प्रतिक्रिया दें, क्योंकि निश्चित रूप से मुंबईकरों की जो समस्याएं होती हैं उसमें हर तरह के सपने दिखाए जाते हैं लेकिन लाइफलाइन जिसको हम कहते हैं लोकल ट्रेन, उसमें भाड़ा तो बढ़ जाता है लेकिन सुविधाएं बिल्कुल नहीं बढ़ती, लेकिन अभी बजट पेश नहीं हुआ है और अभी जो उनकी तकलीफ है वो किस तरह की, क्या चाहते हैं वो? दरअसल आशुतोष इतने त्रास हैं ये, इतने परेशान हैं कि हमेशा से ही दावे पेश किए जाते हैं, वादे पेश किए जाते हैं, पूरा नहीं किया जाता, इसलिए इस बजट से शायद इनको कोई आस नहीं है और वही गुस्सा है फूट कर निकल रहा है। चलिए बजट तो अभी पेश नहीं हुआ है लेकिन फिर भी गुस्सा देख रहे हैं, बजट पेश होने के बाद में फिर हम बात करें, आपकी आस क्या है, फिलहाल आप क्या डिमांड लेकर चलते हैं ये जानना चाहेंगे? डिमांड लेते हैं कि रेलवे को सबसे बेहतरीन सुरक्षा प्राप्त हो, जो उन्होंने लोगों को सपने दिखाए थे, भावनाओं से खेला था, वो मायूस हो गए हैं और उन्होंने ऐसा ही रखा तो आने वाले नवंबर के इलेक्शन में जनता उनको विद्यमान महाराष्ट्र में रिटर्न सरकार का सपना दिखाएगी, ये तय है। उन्होंने ये देखना चाहिए कि आज के आम आदमी लोगों को क्या जरूर है और इसके अलावा आम आदमियों की सुरक्षा क्या है, चेन स्नैचिंग, उनकी गर्दुल्ला, यहाँ आप स्टेशन देख रहे हैं यहाँ क्या क्या समस्या है, महिलाओं के साथ क्या होता है, सीनियर सिटीजनों को ऊपर चढ़ने को नहीं मिलता, प्लेटफॉर्म तक नीचे है, इतनी बहुत सी सुविधाएं उनको करनी जरूरी है, खाली आम आदमियों के भावनाओं के साथ खेल के कुछ नहीं है, अगर ऐसा करेंगे तो आने वाले इलेक्शन में जनता उनको वापिस हर महाराष्ट्र में रिटर्न सरकार दिखाएगी। विधानसभा चुनाव की भी यहाँ बात हो गई और आने वाले इलेक्शन में दिखाएंगे लेकिन पुलिस फोर्स की शायद कमी है, आप क्या कहेंगे, आपको कुछ कहना है, क्या आपकी डिमांड होगी, आप कुछ बताएंगे क्या डिमांड? सेम डिमांड है, सेम सब बोलो, सेम सेम। हाँ जी जी जी, आप बताइए। मैं कहना चाहता हूँ, मेरा विचार ये है कि जो बुलेट ट्रेन चलाने की बात कर रहे हैं, मैं तो समझता हूँ कि जो 100 किलोमीटर की रफ्तार से जो हमारे इंडिया में गाड़ी चल रहे हैं उन्हीं को संभाल करके और एक्सीडेंट से बचाए तो वो बेहतर हो, और ये बुलेट चलाने वाली बात तो वो बात की बात है, वो तो सोचा जाएगा, लेकिन इसी के जो हजारों हजार आदमी हमारे देश में जो एक्सीडेंट में मारे जाते हैं उनको बचाने का कोई मुहिम चलाया जाए तो वो सबसे ज्यादा बेहतर होगा और सरकार के लिए वो सबसे बड़ा उपलब्धि होगा। बहुत बड़ा मुद्दा, बहुत गंभीर मुद्दा भाई साहब ने कहा है, आए दिनों लोग रेलवे की दुर्घटनाएं होती हैं, कई जाने जाती हैं, हाल ही में अभी पटरी जो है गिर गई उसकी वजह से कई जाने चली गई, आप भी ये कहना चाहते हैं, आप क्या डिमांड होगी? वही आप क्या कहेंगे, आपकी कोई डिमांड है, बजट का पिटारा खुलने वाला है? आए दिन तो रोज एक्सीडेंट होते, हम लोग कसारा से रोज मिलिटी आते, हम खुद देखते, हम लोग खुद वहाँ से उठाते, हम देखते टुकड़े ताकड़े, हम वहाँ से उठा के लेके जाते, लेकिन कोई सुविधा नहीं है, आज तक गाड़ी में वैसी कोई सुविधा नहीं है, पब्लिक छत पे बैठ के जाती है। ये बुलेट ट्रेन भगाने से अच्छा है, बुलेट ट्रेन चलाने से अच्छा है कि यही ट्रेन का सुविधा करे, अच्छे से चले। बिल्कुल धर्मेंद्र, बिल्कुल ये सही है, ये बहुत ही सही समस्या है उनकी और गंभीरता भी है इसमें, क्योंकि जिस तरह से हम
आगे बढ़ने की बात करते हैं और फिलहाल जो गति है उसको अगर नियंत्रित किया जाए, उसको सुरक्षित किया जाए तो हमारी स्थिति सुधर सकती है। फिलहाल आप हमारे साथ बने रहिए। अब हम चलते हैं संजय मिश्रा के पास और जानने की कोशिश करते हैं कि जो मुंबई के यात्री हैं, जो लोकल ट्रेन के प्रति एक जज्बा रखते हैं, उनकी जिंदगी का अहम हिस्सा है लोकल ट्रेन और रेलवे का जो भी सफ़र होता है। संजय, आम आदमी बहुत नाराज़ है, असुरक्षित महसूस कर रहा है और कहीं ना कहीं से जो एक निराशा है उसके मन में इस बजट के पहले वो महसूस हो रही है, तो इसको आप किस तरह से देखेंगे? बड़ी साधारण सी बात है, एक व्यक्ति जब अपने घर से निकलता है और अपने ऑफिसेज दफ्तर की बात की जाए या फिर गंतव्य स्थान की बात की जाए, वहां जाने के लिए जब वह निकलता है तो वह चाहता है कि उसके सामने किसी तरह की परेशानी ना आए। इसके अलावा वह चाहता है कि जो ट्रेन है वह अपने समय से आए। इसके अलावा वह चाहता है कि जो रेल दुर्घटनाओं में बेतहाशा वृद्धि हो रही है उसमें समय से लगाम कसा जाए। ऐसी तमाम छोटी छोटी चीजें हैं जिसे दूर करना वक्त की जरूरत है। आज आप मुंबई को शंघाई बनाने की बात कर रहे हैं, आज आप मुंबई में हाई स्पीड की बुलेट ट्रेन दौड़ाने की बात कर रहे हैं, लेकिन जो वर्तमान इंफ्रास्ट्रक्चर आपके पास है आप उसे ही नहीं संभाल पा रहे हैं। आर्थिक राजधानी मुंबई में वेस्टर्न रेलवे हो, सेंट्रल रेलवे हो, हार्बर रेलवे हो, रेल किनारे बसे उन अवैध तरीके से जो झोपड़े हैं, उन झोपड़ों में रहने वाले की कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं है, सुरक्षा के दृष्टिकोण से इस पर लगाम कसना बेहद जरूरी है। आतंक जो गर्दुल्लों का है वह बड़े पैमाने पर है, रेल स्टेशन रेलवे प्रमाइसेस में बड़े पैमाने पर चरसी और गर्दुल्लों का एक आतंक है, अवैध तरीके से वहां कब्जा जमाए रखते हैं और समय समय पर जो इनपुट्स मिलते रहे हैं आईबी द्वारा हमारे गृह मंत्रालय को, उसके बाद अलर्ट कर दी जाती है मुंबई, और खास करके मुंबई जो है सदैव आतंकियों के निशाने पर रही है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। तो कई चीजें हैं, बात निकलेगी बहुत दूर तक जाएगी। संजय जी, अगर हम सदानंद गौड़ा की बात करें तो सदानंद का मतलब होता है सदा आनंदित करने वाला, और हर दिन हर पल खुश रहने की बात होती है उसमें। उन्होंने उम्मीद जताई है कि जो भारत की जो स्थिति है रेलवे की वो चीन और जापान की तरह की होनी चाहिए। आज के दौर में आप इस सवाल को या इस सपने को किस तरह से देखेंगे? देखिए, लोकसभा चुनाव के पहले हजारों लोगों को मंच पर से संबोधित करते हुए नरेंद्र मोदी साहब ने यह साफ तौर पर कहा था कि आज वर्तमान में जापान जो है वह काफी तरक्की कर रहा है। उस तरक्की के पीछे का जो सबसे बड़ा कारण है, उनके पास हाई स्पीड की बुलेट ट्रेनें हैं, और उसी तर्ज पर चीन जो है वह भी अपने आप एक मिसाल के तौर पर जाना जाता है। तो क्या भारतवर्ष उस दौड़ में नहीं शामिल हो सकता? ये उद्गार जो थे वह खुद नरेंद्र मोदी साहब के थे जब उनकी ताजपोशी केंद्र में बतौर प्रधानमंत्री के रूप में नहीं थी। तो अब प्रधानमंत्री बनने के बाद जो मोदी सरकार का पहला रेल बजट आ रहा है वह जनता के हित में होगा या जनता की जो जेब है उस पर एक डाका डालने का काम करेगा, ये तमाम जो चीजें हैं वह देखने वाली बात होगी। फिलहाल अभी कुछ ही समय में यह रुख स्पष्ट हो जाएगा अवनिंद्र, लेकिन जो मुंबई वासी हैं उन्हें शिद्दत से इंतजार है कि किसी तरह इस बजट में उनके हित में, उनके लाभ के लिए कोई ऐसी चीजें समाविष्ट की जाए जिससे कि लोग जो हैं वह समस्याओं का सामना न करें और आने वाले दिनों में, चाहे रेलवे की बात करें हम, रेलवे स्टेशन पर जो बड़े पैमाने पर कैंटीन्स होते हैं वहां पर बिकने वाली जो खाद्य सामग्रियां होती हैं वह एमआरपी से दो चार रुपए और अधिक जो दुकानदार बेचते हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। महिलाएं हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, सीनियर सिटीजन्स हैं, विकलांग हैं, बच्चे हैं, स्कूली कॉलेजेस में पढ़ने वाले वह लोग, इनके लिए क्या इस रेल बजट में उनके इस सदानंद गौड़ा साहब के इस गौड़ा गाड़ी वाले इस रेल बजट पिटारे में क्या कुछ उनके हित में रखा गया है, यह देखने वाली बात होगी। अवनिंद्र, दूर दराज की गाड़ियों की यदि बात करें तो आज भी जो उत्तर प्रदेश की तरफ, बिहार की तरफ जाने वाली जो गाड़ियां हैं उनमें 12 महीने तक लोगों को टिकट नहीं मिलता, कतारों में लोग खड़े रहते हैं। उत्तर भारतीयों की बात करें तो मुंबई से जो लोग जाते हैं अलग अलग इलाकों में, तो उनकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं होती है। निश्चित रूप से आज एक चुनौती है इस सरकार के लिए। संजय, आपने जो जानकारी दी उस पर हम और भी आगे चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल एक बार फिर चलते हैं सीएसटी स्टेशन, जहां पर बहुत सारे लोग हैं, हमारे रिपोर्टर धर्मेंद्र दुबे के साथ। धर्मेंद्र, ये बताइए कि आम आदमी जो अभी आपके साथ मौजूद हैं उनके मन में अभी क्या चल रहा है, बताइए।
देखिए एक आम आदमी जो है क्या चाहता है, इसका ताजा जो स्वरूप है, ताजा उदाहरण इस वक्त हमारे साथ में है। एक मैं दृश्य आपको यहाँ दिखाना चाहता हूँ। एक शख्स आए हैं अभी अभी हमसे मिले और आने के बाद इनका ये कहना है कि जैसे ही मथुरा से ये सीएसटी स्टेशन पर उतरे तो इनके साथ में सुलूक किया गया, बदतमीजी की गई, मारा गया, पीटा गया, जबरन पैसे वसूलने की बात की गई और ये सारी की सारी चीजें टीसी की ओर से हुई है। चलिए आपसे बात करते हैं, आप कहाँ से आ रहे हो? मैं डिस्ट्रिक्ट फरुखाबाद यूपी से आ रहा हूँ, विलेज ललौर से। क्या नाम है आपका? कुलदीप यादव। आप यहाँ पर उतरे तो क्या हुआ? यहाँ पर उतरे तो टीटी ने कहा 3000 रुपए दो, मैंने कि मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे पास नहीं है, तो ये बोला गेट के पास चल। गेट के पास गया, उसने मुझे धक्का दे दिया और मुझे मेरे दोनों पैर फ्रैक्चर हो गए। हमारे पास पैसे नहीं, हम क्या करें? नहीं, पैसे किस बात का मांग रहा था? ये कह रहा फाइन दो। टिकट लिया था आपने? जी, ये सारी टिकट है। ये देखिए इनके साथ में तीन लोग हैं और ये तीन टिकट नहीं, जो हैं, दो लोग हैं। अच्छा, ये तीसरी टिकट किस चीज की है? वो यहाँ दिल्ली थी। अच्छा, ये टिकट भी इन्होंने लिया है और बकायदा जो है उतरे यहाँ पर हैं, सीएसटी स्टेशन मथुरा से यहाँ पर आए हुए हैं। इनका ये कहना है, आपका सामान क्या है? सामान ये इनके साथ में आए हुए